So, याद तो होगा 2011 का वो दिन। तो इस साल भी हमारे पास वही मौका है खुद के देश में वर्ल्ड कप जीतने का। Hey everyone, I'm Dipankar and welcome back to my channel. So as an artist, this is the high time to show our support to our team India. So आज मैं ड्रॉ करने वाला हूँ whole Indian cricket team को 10 रुपी coins के ऊपर। So let's start. तो मैंने यहाँ पर total 15 10 रुपीस coin collect कर लिया है। Colors मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ acrylic colors. Brushes भी यहाँ पर चाहिए बहुत ही fine 0, 000 ये सारे size का। तो सबसे पहले तो कॉइन्स में यहाँ पर बेस कोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉइन्स को मैंने 5 5 5 करके टोटल 15 ऐसे सजा लिया है कि ताकि ऐसा एक इंडियन फ्लैग की तरह दिखे। ऊपरी लाइन होगा ऑरेंज, मिडिल का लाइन होगा व्हाइट और नीचे का लाइन होगा ग्रीन। सो देख सकते हो जो कॉइन्स है उसमें मैंने जो ऑरेंज कलर है उसे कर लिया है और उसे मैं अभी सूखने के लिए छोड़ा है, ठीक है। एकदम पूरा ड्राई हो जाने के बाद ही इसके ऊपर ड्राइंग करना है। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं ड्राइंग स्टार्ट कर रहा हूँ कैप्टन रोहित शर्मा से, ऑफ कोर्स। ओके, तो यहाँ पर ब्राउन और ऑरेंज को मिक्स करते हुए एक डार्क टोन बनाया है, उससे यहाँ पर डार्क एरियाज जो है फेस में उसमें मैंने पहले टोन दे रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे लाइटर एरिया की तरफ जाएंगे। जो ब्रश है वो देख सकते हो बहुत ही ऐसे छोटे साइज का है, 000 साइज का है, ताकि एकदम जो डिटेलिंग है फाइन डिटेलिंग वो मैं कर पाऊँ। मिड टोन किया था ब्राउन से, हाईलाइटेड एरिया कर रहा हूँ व्हाइट से, और एकदम जो डार्क है वो जो बियर्ड में और जो बालों में है वो मैं यहाँ पर ब्लैक के टोन से दे रहा हूँ। इसे देखो फेस करीब करीब मैच हो गया है, कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके बताओ। तो नेक्स्ट कौन और कौन, विराट कोहली। And now Shubman Gill. अब हम सबको तो पता ही है कि सारा का सारा टीम का खेल कुछ और ही चल रहा है और शुभमन भाई का कुछ और ही। जोक्स अपार्ट, आप लोग देख सकते हो कि इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर सूर्य कुमार यादव और शरदुल ठाकुर को भी ड्रॉ कर लिया है। साथ साथ पूरा जो ऑरेंज रो है वो देख सकते हो कंप्लीट हो गया है करीब करीब। अब मैं जो सेकेंड रो है वो स्टार्ट करूंगा, मतलब व्हाइट। सो सेकेंड रो में है हमारा एक से बढ़कर एक प्लेयर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जडेजा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। तो देख सकते हो ऑलरेडी मैंने दो लाइन कर लिया है। आप लोगों को अगर ड्राइंग अच्छा लग रहा है तो नीचे #WorldCup2023 लिखकर कुछ भी आपका कमेंट्स कर सकते हो इस ड्राइंग के बारे में। तो चलो लास्ट लाइन शुरू करते हैं। सो मैंने यहाँ पर येलो और ब्लू मिलाकर ग्रीन बना लिया और उससे जो बेस कोटिंग है वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब वो पूरा सूख गया है तो अब मैं ड्राइंग शुरू करूंगा। स्केचिंग भी ऑलरेडी कंप्लीट है। अब देखो जो मैं एकदम जो 000 साइज का ब्रश है उससे धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ। इस बार मैं दो पोर्ट्रेट एक साथ करने वाला हूँ। यहाँ पर मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव का पोर्ट्रेट मैं एक साथ कर रहा हूँ। देखो जो यहाँ पर बियर्ड का पोर्शन है मोहम्मद शमी का वो मैंने यहाँ पर डार्क एक ग्रीन टोन से बनाया है। ग्रीन के साथ थोड़ा ब्लू मिक्स करने से ये टोन बन जाता है। तो पहले तो ये कर लिया। अब सेम चीज़ मैं यहाँ पर कुलदीप यादव के फेस में भी करूँगा। जो डार्केस्ट पोर्शन है वो मैंने पहले दे दूँगा, फिर मैं लाइटर टोन की तरफ जाऊँगा।
अब देख सकते हो मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जसमीत बुमराह का पोर्ट्रेट। ऑलरेडी बहुत सारा एरिया मैंने कंप्लीट कर लिया। अब जो फिनिशिंग टचेस है वो दे रहा हूँ व्हाइट से, ठीक है। व्हाइट से पहले तो आंखों के अंदर के पोर्शन में पहले व्हाइट दे दो और उसके बाद उसके ऊपर आंखों का जो प्यूपिल है फिर से वो जो डार्क ग्रीन टोन है उससे दो। पहले ही ब्लैक मत दो, पहले पूरा ही व्हाइट कर दो उसके बाद दो। ऐसे जो छोटे छोटे एरियाज है उसमें काम किया जाता है। अब लास्ट रह गया है मोहम्मद सिराज और अश्विन। इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद ही पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा, तो चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं और उसके बाद फाइनल रिजल्ट देखते हैं। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। सो पूरा सेट कंप्लीट है। आई होप आप लोगों को ये देखने में मज़ा आया। कैसा लगा है पूरा सेट, कौन सा फेस आप लोगों को सबसे अच्छा लगा, मतलब सबसे एक्यूरेटली मैं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही छोटा करके मुझे ड्रॉ करना पड़ा है तो मुश्किलें तो आई है, पर आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है। तो नीचे कमेंट करके बताना कि कौन सा फेस सबसे अच्छा बनाए, और ऐसी अगर और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक, और हाँ, वी विल विन दिस वर्ल्ड कप।